नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड अर्न के और एक वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूं बिगिनर्स के लिए। ये वीडियो बना रहा हूं जो शेयर मार्केट में अभी नए नए आए हैं या नए नए आने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने तय किया है। उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा नॉलेज शेयर करूँगा जितना मेरे पास है उतना, तो आप उसको आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है आपको कि शेयर बाज़ार क्या है, कौन कौन सी कंपनी के शेयर आते हैं। दोस्तों, शेयर बाज़ार और आप जिस भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। शेयर बाज़ार वो चीज़ है जिसमें आप किसी भी कंपनी के, इंडिया में कितनी भी कंपनी है, उस सारी कंपनी के आप शेयर बाई कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन सी कंपनी के शेयर इसमें आते हैं। जो मैंने ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये वाला, तो इसमें हम देख चेक करते हैं कौन कौन सी कंपनी के शेयर आते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, और गूगल में आप फ्रेंड्स चेक करोगे, आपको nseindia.com पे जाना है और वहाँ पे मार्केट डेटा जो रहता है फ्रेंड्स हमारा, ये वाला मार्केट डेटा में आपको जाना पड़ेगा। और मार्केट डेटा में जैसे ही आप जाओगे, वहाँ पे इंडेक्सेस करके रहेगा फ्रेंड्स, इंडेक्सेस में जाना है आपको। और जैसे इंडेक्सेस में जाओगे ओके, तो आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें बॉट मार्केट इंडिसेस करके है, इसमें निफ्टी 50 का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है, ऐसा ही इसमें पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। जैसे सेक्टर वाइज भी इंडेसिस है, इसमें निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, इसमें बैंक के जितने भी शेयर रहेंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। निफ्टी ऑटो है, ऑटो के रिलेटेड सब शेयर आएंगे, निफ्टी फाइनेंस के रिलेटेड सब आएगा, निफ्टी FMCG का आएगा, निफ्टी IT का आएगा, निफ्टी मीडिया का भी आएगा, निफ्टी मेटल का भी आएगा, निफ्टी फार्मा का भी आएगा, निफ्टी PSU बैंक का भी आएगा, निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी आएगा। तो ये पूरा आपको चेक कर लेना है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अभी बताता हूँ कि निफ्टी 50 में कौन से शेयर आते हैं। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि निफ्टी 50 में कौन कौन से शेयर आएंगे, तो वो हम अभी चेक करते हैं फ्रेंड्स। इसमें पहला आएगा बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट्स, SBIN, रिलायंस है, एशियन पावर पेंट है, SBI लाइफ है, भारती एयरटेल है, कोटक बैंक है, JSW स्टील है, डॉक्टर रेड्डी है, एक्सिस बैंक है, इंडस्ट्री बैंक है। ओके, ये सारे स्टॉक निफ्टी 50 में आएंगे फ्रेंड्स। तो ये पूरे जितने भी कंपनी है, ये पूरी निफ्टी 50 में आप इसके शेयर बाई और सेल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही आप आगे का भी आप सब कुछ चेक कर सकते हो। निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 में कौन से शेयर आएंगे, निफ्टी 200 में कौन से आएंगे, वैसे सारे शेयर आप ऑनलाइन चेक कर लो। ओके, चलो दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं, क्या शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा दोस्तों, क्या शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊँ तो शेयर बाज़ार में हमें निवेश करना ही चाहिए। क्यों निवेश करना चाहिए? अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट हो और सेविंग अकाउंट में सालाना इंटरेस्ट आपको मिलता है अभी 3-4% मिलता है, जबकि अगर आप अगर शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको 15-20% मिनिमम आपको रिटर्न दे सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका भी एग्जांपल मैंने लिया है फ्रेंड्स कि ये रिलायंस का शेयर है। ओके, जैसे रिलायंस का शेयर के बारे में बोलूँ आपको, तो ये 2 साल पहले की बात है फ्रेंड्स। 2 साल यानी 23 मार्च 2020 को इसका प्राइस था, लो प्राइस 867 था, उसका हाई मारा था उसने 941 और उसका ओपनिंग हुआ था 907 में। आप यहाँ पे उसका चेक कर सकते हो। ओके, ये पूरा वैल्यू है। अगर उस टाइम पे अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज की तारीख में उसके बाद उसका हाई मारा फ्रेंड्स उसने, मैक्सिमम पकड़ के चलो आप, उसका हाई मारा है 2751। कौन सी डेट को गया था वो? 19 अक्टूबर 21 में गया है। और अगर आज यानी 2022 में आप अगर चेक करोगे फ्रेंड्स, 25 मार्च 2022 में, तो उसका हाई है 2616।
कितना है 2616, ये इसका हाई है 2616 और हमने लो कितना लिखा फ्रेंड्स, उसका लो हमने लिखा तकरीबन 800 से लेके 900 रुपीस के बीच में हमने उसका वैल्यू देखा 2 साल पहले। अगर उस टाइम पे किसी ने 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका पैसा 3 गुना हो गया होगा, यानी 1 लाख का 3 लाख, 1 करोड़ का 3 करोड़, 50,000 का उसके हिसाब से आप गिनती भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये फ़ायदा है हमें बैंक में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, तो आप डेफिनेटली आप किसी से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी तीसरा पॉइंट है हमारा, शेयर बाज़ार फर्जी है क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, शेयर बाज़ार फर्जी है क्या फ्रेंड्स? अगर शेयर बाज़ार फर्जी होता आज की तारीख में तो कोई शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। आज उसके ऊपर सेबी है, सेबी क्या है फ्रेंड्स? सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरे कंपनी पे उसके वॉच रखती है फ्रेंड्स। हाँ, एक टाइम था जब हर्ष मेहता का स्कैम हुआ था, उस टाइम पे स्कैम होने के बाद सब लोग शेयर बाज़ार को फर्जी समझने लगे, लेकिन आज की तारीख में ये फर्जी नहीं है। अगर आज की तारीख में हम देखें तो ये बहुत ही बहुत बढ़िया चांस मिलता है फ्रेंड्स हमें पैसा कमाने का। ओके, तो आज की तारीख में शेयर बाज़ार फर्जी को नहीं है, मैं ऐसा बोलूँगा। और अगर चौथा पॉइंट है हमारा, शेयर बाज़ार से रातोंरात करोड़पति बन सकते हैं क्या? शेयर बाज़ार से रातोंरात करोड़पति बन सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है ना फ्रेंड्स, ये शेयर बाज़ार रातोंरात करोड़पति बनने के लिए नहीं है। जो भी लोग शेयर मार्केट में आते हैं रातोंरात करोड़पति बनने के लिए, वो रातोंरात गायब भी हो जाते हैं। तो अगर आपको शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उसमें पूरा डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रातोंरात करोड़पति बनने के लिए आप मेहरबानी करके मत आइए, इससे क्या होता है, इससे मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। समझ लो कि अगर कोई बंदा बिना नॉलेज लिए बिना डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने के लिए आता है और लाखों रुपीस इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद उसको लॉस होता है तो वो मार्केट में नेगेटिव सबको बोलेगा कि मैंने इतना पेमेंट पैसा लगाया था और रातों रात वो डूब गया। तो मेहरबानी करके आप रातों रात करोड़ बनने के लिए आप शेयर मार्केट में मत आइए। ओके, क्या शेयर बाज़ार से पैसा कमा सकते हैं? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट है हमारा, शेयर बाज़ार से पैसा कमा सकते हैं। पांचवा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूँ तो शेयर बाज़ार से पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कि राकेश झुनझुनवाला है, विजय केडिया है, राधा किशन दमानी है और रामदेव अग्रवाल है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर बाज़ार से पैसा कमाया है। और आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट से पैसा कमाते ही है। आप गूगल में, आप यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो आप शेयर बाज़ार से पैसा कमा सकते हो। पहले क्या होता था, पहले फिजिकली ही पहले होता था, पहले ऑनलाइन ही होता था। ओके, अभी आप शेयर मार्केट आप अपने मोबाइल से आप ट्रेड कर सकते हो, तो पहले से बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। ओके, और हमारा छठा पॉइंट है, क्या शेयर बाज़ार में नुकसान होता है? अगर मैं बोलूँ तो यह शेयर बाज़ार में नुकसान भी होता है। अगर आप डायरेक्टली नए नए आए हो, बिगिनर्स हो और डायरेक्ट आप ऑप्शन में कूद जाओगे तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान भी होता है, तो थोड़ा संभाल के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते हो। शेयर बाज़ार में आने से पहले क्यों डरते हैं लोग, ये सातवां पॉइंट है फ्रेंड्स, शेयर बाज़ार में आने से पहले क्यों डरते हैं लोग? दोस्तों शेयर मार्केट में आने से पहले इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि उसको स्कूल कॉलेज में कुछ भी नॉलेज नहीं दिया जाता शेयर मार्केट के बारे में। मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब कॉलेज में था तो मुझे शेयर बाज़ार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे एक सीनियर है, वो मुझे लगातार 2 से 3 साल बोलते रहे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में आ सकते हो, लेकिन मुझे डर लगता था और मैं उनको डायरेक्टली बोल देता था मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ, वो बार बार मुझे बोलते गए और बाद में मैं धीरे धीरे शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए। ओके, तो आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको तैरना है
अगर आपको कोई बोलेगा कि आप नदी में कूद जाओ तो आप कूदोगी नहीं कूदोगी, आपको डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि आपका तैरना नहीं आता ना है, तो उसके लिए आपको तैरना पहले स्विमिंग करना आपको सीखना पड़ेगा। जब आप स्विमिंग करने के लिए सीखोगे तभी आपको स्विमिंग करना आता है। ऐसे शेयर मार्केट भी ऐसा ही, अगर आपको शेयर बाजार से आपको पैसा कमाना चाहते हो तो पूरी डिसिप्लिन के साथ आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नॉलेज भी लेना पड़ेगा, तभी आपको अंदर जो डर है वो डर गायब हो जाएगा। शेयर बाजार में निवेश कैसे करें, यह सबसे बढ़िया पॉइंट है फ्रेंड्स। 98 शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। अगर दोस्तों अगर किसी को बिगिनर्स हो और उसको पता नहीं चलता कि शेयर बाजार में कैसे आए, शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके लिए पहले सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट यानी अलग अलग ब्रोकर्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे एंजल वन है, जीरोधा है, ऑप्स्टॉक है, ICICI बैंक वाला भी है, SBI का भी है। इसमें आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इससे आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी साइट पे आपको एक लिंक भी भेजा है फॉर न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, एंजल वन का ये है। आप यहाँ पे जाके आप न्यू डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो नॉमिनल चार्ज देके, ओके ये वाला लिंक है। तो आप यहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके आप शेयर बाजार में धीरे धीरे आप रुपया भी कमा सकते हो। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूँगा आपको, अगर शेयर मार्केट में आओ तो इसके लिए आपको पूरी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। आपको इसमें सीखना, नॉलेज भी लेना पड़ेगा, किसी को टिप्स के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत लो, आप खुद लर्न करो और अर्न करो। हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैक्सिमम लोग इस शेयर बाजार में आए और पैसा कमाए। अगर हम इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 4-8% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, जबकि आप अमेरिका में देखोगे तो 40-60% लोग इस शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। अगर समझ लो इंडिया में 125 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है और इसमें से 40% भी इस शेयर मार्केट में आ जाता है तो कितने लोगों को इनकम मिल सकती है। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैक्सिमम लोग इस शेयर मार्केट में आए और अपने लिए पैसा कमाए। अगर दिन का 500 रुपया भी आप कमाते हो तो भी आपके लिए अच्छा ही है, और 5,000 कमाते हो तो भी आपके लिए अच्छा ही है, ओके। अगर आप समझ लो अगर किसी को 500 रुपया कमाना है तो उसको मिनिमम 8 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ेगा, जबकि शेयर बाजार में ऐसा नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट सीख जाओगे तो आप 5 मिनट में भी आप 500 रुपया कमा ही सकते हो, ओके। तो ये बेनिफिट है फ्रेंड्स शेयर मार्केट के लिए, ओके। तो ये पूरे टॉपिक था जो मैंने आपका ये बिगिनर्स के लिए लर्न एंड अर्न में आपको पॉइंट समझाया। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।